ये देखिए दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अभी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पढ़े एन वन पोजिशन, एक होती है इक्वेटोरियल पोजिशन, इक्वाटोरियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजिशन, या उसी को प्लेन कहते हैं। तो ये इक्वाटोरियल पोजिशन क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस लेते हैं, जब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो इसको इक्वाटोरियल पोजिशन कहते हैं। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ध्यान रखिएगा। और कौन सी कंडीशन में, इक्वेटोरियल। तो होता क्या है, सबसे पहले सपोज करिए हमने एक डाइपोल बना लिया, किससे बनता है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, इसका ये सेंटर पॉइंट है और ये इक्वेटोरियल, अब एक्सिस में नहीं लेनी है, इक्वेटोरियल मतलब इसका परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट कौन सा है, पी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस है देख लेते हैं, माइनस क्यू से ये डिस्टेंस है, तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस ये है, और जो डाइपोल होता है वो डाइपोल की डिस्टेंस क्या होती है, दो चार्जेस की आप पढ़ चुके हैं, टू एल, ये भी एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। अब सोचिए ये आपको हाइपोटेनस आर मिल गया है, सॉरी परपेंडिकुलर आर दिया है, बेस एल दिया है, तो हाइपोटेनस तो निकल आएगा ना, तो हाइपोटेनस क्या निकलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये निकलेगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही आएगा, क्योंकि कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ से एंगल कितना बना रहा है थीटा, ये एंगल भी कितना बना रहा है थीटा। अब ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज के कारण जब भी हम निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचता है। तो ये आपका ई ऐसे चला, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने से दूर भगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आपको ये ध्यान देना है कि नेगेटिव चार्ज अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर बनाएगा। अब दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से कर जाएगा, तो इस प्रकार से ये ऐसे रिजल्टेंट हो जाता है, जिसको हम ई कह सकते हैं। तो अब क्या करें, यहाँ इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, क्यों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। समझ पा रहे हो कि ये ना तो आपके पैरेलल, ना तो ओरिजेंटल हैं, ना वर्टिकल, ना क्षैतिज, ना ऊर्ध्वाधर। तो क्या करते हैं, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, ये वर्टिकल हो जाएंगे और ये आपके ओरिजेंटल। तो ये यहाँ आया एंगल, एंगल है तो कॉस आता है, आप पढ़ चुके होंगे, तो ई कॉस थीटा, यहाँ एंगल नहीं बीच में है तो साइन आता है, आप इलेवेंथ के आधार पर पढ़ चुके होंगे, तो ई साइन थीटा। अब इसको देखिए, इसको रिजॉल्व करें तो यहाँ ले जाएं ई कौन सा, माइनस वाला एंगल है तो कॉस थीटा, इसको यहाँ ले जाओ तो ई माइनस वाला है तो ये साइन थीटा। ये इसका से एक लंबा स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसको आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा हम कॉन्सेप्ट आपको 1.9 में भी दे चुके हैं एग्जाम्पल में। फिर से वही, इसको थोड़ा सा आप डबल कर दीजिए चाहो तो, ताकि आपको ध्यान से आ जाए। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि फिर से ए बी, ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो निगेटिव माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, और इसके बीच की डिस्टेंस 2L है। इसकी ये कौन सी कंडीशन, इसकी इक्वाटोरियल पोजीशन है, ये इक्वाटोरियल पोजीशन है जिसमें P, हाँ ये P की जो डायरेक्शन ये होती है, P और R के बीच एंगल कितना बन रहा है 90, जब P और R के बीच 90 बने तो इक्वाटोरियल, और E P और R के लिए 0 बने तो एक्सियल, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो इसका थ्योरी वही लिखेंगे, सबसे पहले वही करते हैं कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर, एट पी पॉइंट पर, देखिएगा। तो फॉर्मूला वही, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर,
तो क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट। तो कितना बचेगा, केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस साइड से। इसी प्रकार से ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कहाँ पर, एट पॉइंट पी, ये देखिए। तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, केवल आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वन अपॉन आर स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस वही है, अंडर रूट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन इनवर्ट है। अब देखिए इसको वन मान लीजिए, इसके इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्या समझ में आया यहाँ पर, जितना ई प्लस क्यू है उतना ही ई माइनस क्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है, ये हमें पता चल गया। तो सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे, तभी हमने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट डिवाइड किया और इसको भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। अब देखिए हुआ क्या, फिगर से स्पष्ट हो रहा है, चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि ई साइन थीटा और ई साइन थीटा ये प्लस का माइनस और वैल्यू सेम है, तो ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल देखिए साइन थीटा ई साइन थीटा ई साइन थीटा, अपोजिट तो क्या करेंगे कैंसिल आउट, लेकिन e cos थीटा प्लस के कारण, e cos थीटा माइनस के कारण दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यही आपको फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा एट पॉइंट P इन इक्वाटोरियल पोजीशन। तो बस यहीं से आपको ध्यान देना, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जैसा दिख रहा है वैसा लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो E इक्वल टू जोड़िए E cos थीटा ये वाला और E इसके कारण cos थीटा, ये हो जाएगा 2E। देखिए दोनों बराबर ही है, चाहे जैसे ले लीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 2E कोई भी तो कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 हो गया, ये हो गया cos थीटा, cos cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है L और हाइपोटेनस ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दे लीजिए आप, तो कितना हो गया ये Q इंटू टू एल, ये बन गया तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू टू एल, Q इंटू टू एल और ये हो जाएगा, देखिए इस पर पावर 1 छुपा है और अंडर रूट का मतलब होगा 1 बाई टू, ये 1 और 1 बाई टू, तो 1 प्लस 1 बाई टू 3 बाई टू ऐड कर लोगे ना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना 3 बाई टू, और Q इंटू टू एल किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3 बाई टू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें भी वही कंडीशन आएगी इफ वाला, इफ आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ये तो फिर से वही कंडीशन, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो सेफ कितना बचेगा, देन E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, देखिए ये 0, ये 0 तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3, तो आ जाएगा, तो ये किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल प्लेन या पोजीशन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। तो चाहे बेटा, चाहे वो इक्वेटोरियल पोजीशन हो चाहे इनवर्ट पोजीशन हो, डाइपोल के कारण ई हमेशा किस प्रकार से मिलता है, आर पावर 3। तो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तुलना में डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी कम हो जाता है, तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, 1.9 में हम ऑलरेडी ऐसा एग्जाम्पल समझा चुके हैं, तो ये आप क्लियर कर पाएंगे, तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आप इनको तैयार कर लीजिए, कहीं कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।